नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं जनाधिकार पार्टी, पप्पू यादव की पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं वह अब मेडिकल कैंप लगा रहे हैं। कहाँ? राघोपुर में। तस्वीरें देखिए, पप्पू यादव ने क्या कहा था कल। पहले हम आपको ट्वीट की तस्वीर दिखा रहे हैं, उसके बाद पूरा माजरा समझाएंगे। सीएम साहब, आप जब ईद की मुबारकबाद दे रहे थे तो वैशाली ज़िले के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र का मसरूपुर गाँव कब्रिस्तान बन रहा था, कोरोना से 17 लोग मर गए। आपका कोई नुमाइंदा न इस गांव में गया, ना टेस्टिंग हुई, ना सैनिटाइज हुआ, ना इलाज हुआ, ना टीका लगा। इस गांव में कोई सामान भी नहीं बेचता है। ये बातें कल पप्पू यादव ने कही थी ट्विटर के माध्यम से। उन्होंने ये कहा था कि राघोपुर, जो कि आप समझ सकते होंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है, दो बार वो वहाँ से जीत कर आए हैं। फिलहाल अभी वह विधायक भी वहीं से हैं। हालाँकि तेजस्वी यादव की तरफ से 1 करोड़ रुपये की राशि की अनुशंसा की गई थी राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के, लेकिन फिर भी जब सिकंदरपुर गांव बताया जा रहा है जहां पर 17 लोगों की मौत हो गई, वहां पर कल हमने एक वीडियो भी दिखाया था जिसमें वहां के जो स्थानीय मुखिया हैं वो कह रहे थे कि आखिर कोई जनप्रतिनिधि यहां क्यों नहीं आता है, सिर्फ जीत कर जाते हैं, कोई यहां पर इस कोरोना काल में देखने तक नहीं आया है। और गाँव में अब तक 17 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, हर रोज़ कब्रिस्तान जाना पड़ता है। इस दुख की घड़ी में क्या करें। ऐसे में पप्पू यादव की जो पार्टी है वो सक्रिय हो गई है। देखिए तस्वीरें, राघोपुर विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर मेडिकल कैंप लगाया गया है, कुछ डॉक्टर्स की टीम उतार दी गई है उस गांव में। चकसिकंदरपुर गांव की सिर्फ बात बता रहे हैं जहां से शिकायत निकल के आई थी, और वहां पर लोगों की टेस्टिंग कराई जा रही है। अपने निजी फंड का इस्तेमाल करके जनाधिकार पार्टी सेवा दल ने ये प्रयास किया है। वहीं उस गाँव में जहाँ पर 17 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी बीते दिनों कोरोना की चपेट में आने के बाद, मतलब इस कोरोना की दूसरी लहर के दौरान, तो ऐसे में उस गांव में सैनिटाइजेशन का काम भी कराया जा रहा है जनाधिकार पार्टी की ओर से। तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं, क्या कुछ वीडियोस के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे वो तो हम तो साझा कर ही रहे हैं। हालांकि कुछ तस्वीरें जो हैं वो ये भी बयां कर रही हैं कि कैसे इस आपदा की घड़ी में जब 17 लोग एक गाँव के ही थे जो इस कोरोना महामारी में अपने प्राण गंवा बैठे, यानी कि इस कोरोना के दौर में उन पर भी संकट आया। और राघोपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर जब कल ही पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया था ट्विटर के माध्यम से, फिर भी 24 घंटे से अधिक का समय बीत गया, कोई सरकारी नुमाइंदा वहां नहीं पहुंचा, और उन्होंने खुद अब मोर्चा संभाल लिया है, उनकी पार्टी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। फिलहाल पप्पू यादव DMCH में इलाजरत हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, उन्हें जेल भेज दिया गया था, लेकिन तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से फिर उन्हें DMCH रेफ़र किया गया जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में अब राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में पप्पू यादव के सिपाही उतर गए हैं, सैनिटाइज़र का डब्बा लेकर चारों सैनिटाइज कर रहे हैं, और डॉक्टर्स की टीम भी बैठा दी गई है ताकि हर संभव प्रयास किया जा सके आम लोगों की राहत के लिए। इस आपदा के दौर में जब सत्ता पक्ष की ओर से कुछ जवाब निकल के नहीं आया तो राघोपुर, जहाँ पर पप्पू यादव अक्सर कहते हैं कि राघोपुर तो हमारा ननिहाल भी है, तो अपने ननिहाल के लिए जहाँ से शिकायत निकल के आए, सिर्फ चकसिकंदरपुर गांव की बात बता रहे हैं जहाँ की तस्वीरें आपको दिखा भी रहे होंगे, वहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम शुरू करा दिया गया है पप्पू यादव की ओर से, उनकी सेवा दल की ओर से। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।